वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान ने रिवील किया वो कब करेंगे अपने यंग सन इब्राहिम खान के साथ काम। इंशाल्लाह के शेल्व होने के बाद संजय लीला भंसाली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जी जान से लगकर कर रहे हैं काम। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती पेरिस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं टाइम स्पेंड। शाहरुख खान ने किया रिवील वो कब तक करेंगे अपने यंग सन इब्राहिम खान के साथ काम। शाहरुख खान ने काफी वक्त बाद सोशल मीडिया पर अपने फैंस से इंटरेक्ट करने का फैसला किया और एज एक्सपेक्टेड फैंस ने शाहरुख से हर तरह के सवाल पूछे और शाहरुख खान ने इन सवालों का दिया विटियस्ट पॉसिबल जवाब। शाहरुख खान ने जैसे ही #AskSRK सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर ये #hashtag ट्रेंड होने लगा और एक फैन ने शाहरुख से सवाल किया कि वो इब्राहिम के साथ कब किसी फिल्म में नजर आएंगे, जिस पर जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा As soon as I get his dates। शाहरुख खान का ये जवाब फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। वैसे शाहरुख खान अपने बेटे इब्राहिम के साथ एक फिल्म में नजर आ चुके हैं और अगर आप सोच रहे हैं वो कौन सी फिल्म है, तो फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का एंड क्रेडिट आपको याद ही होगा, जिसमें शाहरुख खान के साथ इब्राहिम नजर आए थे। वैसे हाल ही में द लायन किंग में शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के साथ इस फिल्म को हिंदी में डब किया था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इंशाल्लाह के शेल्व होने के बाद संजय लीला भंसाली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जी जान से लगकर कर रहे हैं काम और इसकी वजह है आलिया भट्ट। जी हां, संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट के डेट्स को वेस्ट नहीं होने देना चाहते। ऐसे में वो पिछले कुछ दिनों से अपनी टीम के साथ फिल्म गंगूबाई की स्क्रिप्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। सोर्सेस का कहना है कि इंशाल्लाह के प्री प्रोडक्शन में बिजी होने की वजह से गंगूबाई की स्क्रिप्ट को संजय लीला भंसाली पूरा नहीं कर पाए थे और साथ ही संजय लीला भंसाली की करीबियों का कहना है कि वो एक वक्त पर एक ही फिल्म पर काम करते हैं, यही वजह है कि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह पर ही था। लेकिन अब जबकि इंशाल्लाह शेल्व हो गई है, संजय लीला भंसाली का पूरा फोकस फिल्म गंगूबाई पर है और वो रिकॉर्ड टाइम में इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा करके शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जल्दी की वजह आलिया भट्ट के डेट्स हैं। दरअसल संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो इंशाल्लाह के लिए दिए गए अपने डेट्स को फिलहाल किसी और फिल्म को ना दे, क्योंकि वो इन डेट्स को फिल्म गंगूबाई के लिए यूज करना चाहते हैं। अब संजय लीला भंसाली किसी फिल्म पर इतनी शिद्दत से काम करेंगे तो एक इम्प्रेसिव फिल्म एक्सपेक्ट की जा सकती है और ये फिल्म आलिया भट्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जहां ट्यूसडे को देश भर में धूमधाम से विजयदशमी का त्योहार मनाया गया, वहीं दुर्गा पूजा के आखिरी दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए पार्टिसिपेटिंग इन द सिंदूर खेला रिचुअल, व्हिच मार्क्स द सेंड ऑफ सेरेमनी ऑफ गॉडेस दुर्गा। वेल, इससे पहले नवमी के दिन भी ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसे कई स्टार्स दुर्गा पूजा पंडाल्स में माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लेने पहुंचे थे, जबकि नवमी के दिन रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आए थे एट द रैप अप पार्टी ऑफ देयर फोर्थकमिंग फिल्म 83। इस रैप अप बैश को दीपिका ने प्लान किया था एज शी वांटेड टू सेलिब्रेट द जर्नी ऑफ द शूट ऑफ 83। रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर दीपिका पादुकोण ने इसके लिए 83 की टीम को पर्सनली रिटन लेटर्स के साथ इन्वाइट किया था। वेल, इस पार्टी के इनसाइड वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें रणवीर, दीपिका के अलावा 83 की कास्ट और क्रू के ये डांसिंग एक्ट्स भी शामिल हैं। दीपिका इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ ही इस फिल्म में एक्ट भी कर रही हैं। खास बात ये है कि रणवीर और दीपिका की शादी के बाद 83 विल बी देयर फर्स्ट कोलैबोरेशन। जहां इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहीं दीपिका पादुकोण उनकी वाइफ रोमी भाटिया के कैरेक्टर में नजर आएंगी। वहीं फिल्म मेकर करण जौहर, एक्टर अनिल कपूर, राइटर एंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर और वेटरन एक्ट्रेस आशा पारिक को स्पॉट किया गया एट द लॉन्च ऑफ जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक खालिद मोहम्मद बुक, जहां अनिल कपूर ने शेयर की कई इंटरेस्टिंग बातें।
Anil, I don't have any question to ask you related to the book, but aapki khoobsurti ka kya hai? I just want to ask you that. He's a Punjabi. No, I'm also Punjabi. It doesn't happen here. You know, I've answered it many times, but I don't want to answer again. Everybody knows the answer. They can look up to all my interviews. And can you remember anything caustic he said about you? Well, of course, there were quite a few. Which comes to my mind is Beta. And which I won the Filmfare Award, and so that is a film where he gave me a bad review. He said we called Beta Beti. And I just said he was a feminist. Yeah, and fortunately for me, I won the Best Actor Award, and the film was a huge success. And of course, Lamhe, I remember, was quite. Devastating, and for Yashi, for all of us, because the review what Khalid gave was not very positive, and he compared the film to one of Gulzar Saab's films. I remember it so well, and that was Mausam. And of course, after I think many years, almost after 25 years, Khalid sent me a message saying I was wrong. Because the film is very, very good film. So sometimes, you know, it's your state of mind, what you're, when you're watching the film, at that moment you feel, like for example, I've seen Joker, but there are few reviews, 99.9% reviews have been phenomenal, but there are few reviews which are not very positive, and that surprises me, because I love the film. So these things happen. So you, obviously now, time has passed, so I've become much more thick-skinned where reviews are concerned more, you know, so, but earlier, when you start your career, you're quite sensitive. Or lastly, Neha Bhupia, Dino Moria and video jockey Nikhil Chinnappa nazar aaye raising awareness about plastic pollution through a special Dashera campaign. Sushant Singh Rajput aur Riya Chakrabarty Paris mein ek dusre ke saath kar rahe hain time spend. कुछ ही दिनों पहले रिया और सुशांत पेरिस के लिए चुपचाप रवाना हुए थे, लेकिन अब उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने रिवील कर दिया है दैट दे आर एंजॉयिंग देयर हॉलिडे इन पेरिस। सोशल मीडिया पर रिया और सुशांत दोनों ने ही अपने इंडिविजुअल पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें ये दोनों ही पेरिस के आइकॉनिक लोकेशंस पर टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। जहां सुशांत पेरिस के डिज्नीलैंड में एंटर करते नजर आ रहे हैं, वहीं रिया पेरिस के आइकॉनिक म्यूजियम लूवर के सामने पोज करती हुई दिख रही हैं। वैसे रिया और सुशांत अपने रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहते हैं। यही वजह है कि ऑफिशियली अपने रिश्ते को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शांत एंड आई आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही इज अ लवली गाय एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी विद ईच अदर। वेल, साफ है अभी खुलकर सुशांत और रिया अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इनके सोशल मीडिया पोस्ट बिना कुछ कहे काफी कुछ कह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। स्ट्रीट डांसर 3D में कटरीना कैफ को रिप्लेस करने पर श्रद्धा कपूर ने किया रिएक्ट। स्ट्रीट डांस 3D की टीम के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को भी श्रद्धा ने किया शेयर। वरुण धवन स्टारर इस फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद श्रद्धा कपूर नहीं बल्कि कटरीना कैफ थी, और हर कोई जानता है कि सलमान खान की फिल्म भारत में काम करने के लिए कटरीना ने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया था, और फिर जाकर श्रद्धा कपूर को ये फिल्म मिली थी। और हाल ही में जब एक इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दीस थिंग्स हैपन। यही नहीं, साइना नेहवाल बायोपिक के लिए तैयारी करने के बाद इस फिल्म को छोड़ने के उनके डिसीजन पर बात करते हुए श्रद्धा ने कहा, नो, नॉट एट ऑल। अल्टीमेटली आई फील लाइक देयर आर सो मेनी रीजंस, लाइक आई कुडंट डू साइना नेहवाल्स बायोपिक फॉर व्हाटएवर रीजंस एंड दीस थिंग्स हैपन। इवेंचुअली आई थिंक इट इज व्हाट यू आर हैप्पी विद। वैसे फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की टीम के साथ फिर से काम करके श्रद्धा कपूर काफी खुश हैं। श्रद्धा ने कहा, आई वॉज सुपर थ्रिल्ड दैट आई केम ऑन बोर्ड फॉर स्ट्रीट डांसर 3D। आई लव टू डांस, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड, सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू गेट बैक ऑन स्ट्रीट डांसर एंड बी विद माय ओल्ड गैंग, माय ABCD2 गैंग। कैरेक्टराइजेशन इज सुपर डिफरेंट एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग, सो आई वॉज ओनली हैप्पी अबाउट इट। And for whatever reason I'm in the film, I've had a great time. I'm very happy.
वेल, श्रद्धा के इन दो डिसीजंस को लेकर आगे भी बात होती रहेगी जब तक ये फिल्म्स रिलीज नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। जानवी कपूर ने फाइनली साइन की बोनी कपूर द्वारा प्रोड्यूस्ड एक फिल्म। जानवी कपूर अपने डैड की प्रोड्यूस्ड फिल्म बॉम्बे गर्ल में करेंगी काम। इस फिल्म को डायरेक्टर संजय त्रिपाठी करेंगे डायरेक्ट और बोनी कपूर महावीर जैन के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म के प्लॉट के बारे में कहें तो जानवी इसमें एक यंग रिबेलियस टीनेजर की भूमिका में नजर आएंगी और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बारे में जब जानवी को पता चला तो उन्होंने अपने डैड से खुद इस फिल्म में काम करने की इच्छा जताई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जानवी ने पिछले कुछ समय पहले डैड बोनी कपूर से श्रीदेवी की फिल्म्स पर रीमेक बनाने के फैसले पर अपनी नाखुशी जताई थी। यही नहीं, सोर्सेस का कहना है कि जानवी ने क्लियर कर दिया है कि वो अपनी मॉम की रीमेक की फिल्म्स में काम नहीं करेंगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका उनकी मॉम के साथ कोई कंपैरिजन हो। वैसे फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली जानवी के पास 4 फिल्म्स हैं जिसमें बॉम्बे गर्ल, रू अफ़ज़ा, तख्त और दोस्ताना 2 शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा की हर एक डिटेल को हूबहू फॉरेस्ट गंप की तरह ही रखना चाहते हैं। आमिर खान किसी भी तरह से फिल्म की एसेंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। सोर्सेस का कहना है कि आमिर खान को लगता है कि अगर फिल्म में ज्यादा कुछ बदलाव किए गए तो शायद ये फिल्म दर्शकों को पसंद न आए। कहा जा रहा है कि आमिर खान यहाँ तक की कहानी को ज्यादा ट्वीक करने के फेवर में भी नहीं है। बता दें, फॉरेस्ट गंप हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्म्स में से एक रही है और इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देख रखा है। ऐसे में आमिर खान के ऊपर इस रीमेक को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वैसे खुद फॉरेस्ट गंप के मेकर्स ने सोच समझ कर इस फिल्म के राइट्स आमिर खान को दिए हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आमिर खान ही इसके साथ जस्टिस कर सकते हैं। वेल, आमिर खान के ऊपर डेफिनेटली है प्रेशर, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर उनके फैंस को है पूरा भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Welcome to E-Town News. Today we have with us the most special guest. We have with us perhaps world's only shooter dadi, Prakashi Tomar ji, and her daughter Seema Tomar ji. Welcome to Zoom. आपके ऊपर जो एक फिल्म बन रही है उसका आपने एक विजुअल देखा सबके सामने, आपके मन में क्या चल रहा था तभी? बस मन में खुशी हो रही थी अंदर और कुछ नहीं, दूसरी बात कुछ नहीं थी, बस खुशी खुशी का माहौल था। प्रकाशी जी, जब आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग मानते हैं सब लोग, हमने सत्यमेव जयते पे भी देखा था, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन पर ऐसे एक फिल्म बनेगी जो पूरा भारत देखेगा? नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने, कभी भी नहीं सोचा। हम तो नॉर्मल होकर वैसे ही अपना खेलते रहे। अरे सत्यमेव में जयते में बुलाए, वहाँ भी आ गए, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा फिल्म बनेगी या कहीं हम जाओगे। कितने खुश हैं आप जिस तरह से फिल्म बनी है, क्या आपने देखी है फिल्म? बहुत, इतने खुश हुए, मेरे परिवार को पता लगा, फ़ोन करके पूछा, उन्हें भी बहुत खुशी मिली और हमें खुशी है ही खूब, बहुत खुशी मिली। और दूसरी बात कुछ नहीं सोची हमने, ना मन में आई, खुशी खुशी रही। सीमा जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आपकी माँ के ऊपर फिल्म बन रही है, व्हाट डू यू फील व्हेन योर मदर गेट सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम द एंटायर कंट्री एंड फॉर द इंस्पिरेशनल लाइफ दैट शी हैड? जी, अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज मुझे वो देख के हमारे जो स्टार्टिंग डेज थे वो सारे याद आए, मुझे हर एक चीज़ याद आई बेसिकली कि जो स्ट्रगल था वो एक्चुअली है, बिकॉज ये रियल लाइफ पे ही है। तो वो मोमेंट मैं तब फील कर रही थी कि जो इन्होंने मतलब एक कदम उठाया उसका शायद इनको आज फल मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मुझे भी लग रहा था। तापसी और भूमि जो है काफ़ी दिग्गज कलाकार है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपकी माँ का किरदार प्ले कर रही है? जी, बिकॉज ये मूवी इन्होंने 60 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट की है, तो उनके लिए भी एक काफ़ी एक बड़ा टास्क था कि इस एज में, जिस एज में वो आज है और 60 साल और 65 साल में इनको किरदार निभाना है, तो काफ़ी मैं कहूँगी उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया दोनों ने और अच्छे से उन्होंने निभाया भी है। क्योंकि तापसी को देख के तो मुझे मम्मी की फीलिंग ही आ रही थी एकदम कॉपी। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रकाश? कुछ कह रही थी तापसी? नहीं, तापसी पन्नू ने मेरा इतना अच्छा रोल निभाया,
और तापसी पन्नू मेरे घर पर रही 2.5 महीने, मुझे उससे इतना लगाव है, भूमि तभी तापसी तभी इतना लगाव है जितना सीमा तक है मेरी बेटी तक। कमिंग अप ऑन द शो, दशहरा के खास मौके पर मोनी रॉय ने दिखाया अपना स्पेशल अपियरेंस राजकुमार राव और बमन ईरानी के साथ अपनी फिल्म मेड इन चाइना के प्रमोशन के लिए। दशहरा के खास मौके पर सुपरस्टार मोनी रॉय ने दिखाया अपना स्पेशल अपियरेंस, वो भी अपने सुपर टैलेंटेड को स्टार्स राजकुमार राव और बमन ईरानी के साथ अपनी फिल्म मेड इन चाइना के प्रमोशन के लिए। और यहाँ मोनी और राजकुमार ने दिया एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। लेकिन मोनी अकेले नहीं, बल्कि यहाँ है टीवी स्टार श्रेणु पारिख भी, जो एक बार फिर से नजर आई अपने विलेनस अंदाज में। इट्स अबाउट बुराई वर्सेस अच्छाई की लड़ाई एंड सारे लीड हीरोइंस और हीरोज मेरे अगेंस्ट हैं। सोचो मैं कितनी पावरफुल हूँ। सो यस, आई एम प्लेइंग द रावण इन द दशहरा स्पेशल। टीवी के सिकंदर यानी मोहित मलिक अब शायद ही दिखेंगे सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, शो के टाइम स्लॉट को लेकर चल रहा है महायुद्ध। मेकर्स ने कर लिया है शो में लीप लाने का फैसला। खबरों की माने तो बड़ी कुल्फी प्ले करेंगी तनीषा शर्मा और सिकंदर के लिए अभी भी बात चल रही है। वैसे सिकंदर यानी मोहित मलिक ने मना कर दिया है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये बाप बेटी की जोड़ी ऑडियंस को फिर से खुश कर पाएगी या नहीं। The first thing I do as soon as I wake up is I work out. 16 or 17, I don't even, it's not even called dating, it's something. Go-to fashion idol is my mom. Was it Rihanna? Yeah, Rihanna in London, I think, yeah. In Africa, Big Little Lies. I think the most used one is the heart. Yeah, I can't use my fingers very much, so I can't like grape things and all that. Last thing I bought online was Rihanna's Fenty, her line of clothes. First job was at Satyapal when I was their fashion director in 2013. Shoes or bags? Bags. My biggest fear is pigeons. My biggest pet peeve is people who don't listen to instructions. My greatest guilty pleasure is anything that's sugar, so lots of cookies and like something that's got some milk in it, which I'm not allowed to have, so yeah.